नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएसबी संजय में। आज हम मध्यकालीन भारत की क्लास के अंतर्गत तुर्कों के आक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तुर्क कौन थे, आक्रमण क्यों किया और तुर्क आक्रमण के समय भारतीय राजवंश जो तुर्कों के आक्रमण से मतलब इन महमूद गजनबी तुर्क मोहम्मद गौरी तुर्क शासक थे ये जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, तो इनके संबंध में जो राजवंश आते हैं इनसे कनेक्ट होते हैं उनके बारे में जानेंगे और साथ में मूल्यांकन करेंगे कि तुर्क आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आइए सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि तुर्क कौन थे। तो देखो, चीन की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निवास करते थे। चीन की उत्तर पश्चिमी सीमा है ना, जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पे अभी तुर्कमेनिस्तान वगैरह जो है देश है, वहां पे ये तुर्क लोग रहते थे, वहां पे ये तुर्क लोग रहते थे, है ना। तो तुर्क क्या है, उमैया वंश के शासक थे, मतलब कि मध्य एशिया में महत्वपूर्ण वंश था एक उमैया वंश, उसके शासकों के संपर्क में आने से इन्हें इस्लाम को अपना लिया, इस्लाम धर्म को अपना लिया। मतलब जो लोग चीन की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निवास कर रहे थे वो तुर्क थे, उन्होंने उमैया वंश के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म को अपना लिया और उन्होंने शपथ ली कि वो एक विशाल इस्लाम साम्राज्य की क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। मतलब कि तुर्क लड़ाकू जाति थे, वो चीन की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निवास करते थे, जब वो उमैया वंश की प्रभाव में आए तो उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया और उन्हें यह शपथ ली कि हम एक विशाल इस्लाम साम्राज्य की स्थापना करेंगे। मतलब जो तुर्क थे, जो उत्तर पश्चिमी सीमा चीन वाले इलाके मतलब अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान वाले इलाके में निवास करते थे, ये लड़ाकू जाति थे, है ना। जब इन्हें इस्लाम धर्म को उमैया वंश के प्रभाव में आने पर इस्लाम धर्म को अपनाया तो उन्हें शपथ ली कि हम एक विशाल इस्लाम साम्राज्य की स्थापना करेंगे। मतलब कि एक कारण भारत पर जो आक्रमण करने का कारण है वो इस्लाम धर्म का प्रसार करना या इस्लाम साम्राज्य का विस्तार करना था। और अगर बात कर एक आक्रमण करने का कारण तो हो गया विशाल साम्राज्य की, इनको विशाल इस्लाम साम्राज्य की स्थापना करने इसलिए भारत में आक्रमण किया, साथ में धन प्राप्ति के लिए भी आक्रमण किया। किसके लिए, धन प्राप्ति के लिए। देखो, भारत प्राचीन समय में सोने की चिड़िया कहा जाता है और मोहम्मद कासिम जो इससे लगभग 300 वर्ष पहले आया था उसको भी धन की प्राप्ति यहां से हुई थी और भारत के बारे में सुना था कि भारत में बहुत सारा धन है, तो धन की प्राप्ति के उद्देश्य से, इस्लाम के विशाल साम्राज्य की स्थापना के उद्देश्य से, है ना। और यहाँ पे और भी चीज है कि ये क्या है कि भारत में जो महमूद गजनबी है वो धन के उद्देश्य करता है, लेकिन मोहम्मद गौरी यहाँ पे क्या करता है, भारत में एक साम्राज्य की स्थापना करता है। तो ये समझ गया कौन थे, तो ये चीन की उत्तर पश्चिमी सीमा पर रहने वाले थे, इस्लाम धर्म से संबंधित थे। अब तुर्क आक्रमण के समय भारतीय राजवंशों की बात करें तो देखो, गुजरात में सोलंकी वंश था, इसी को चालुक्य वंश भी कहा जाता है। तो गुजरात में कौन सा वंश शासन कर रहा था, सोलंकी वंश के शासक शासन कर रहे थे। तो जो भीम प्रथम है जिनका संबंध 1022 से लेकर 1064 तक है, इनका संबंध महमूद गजनबी जब सोमनाथ पर आक्रमण करता है, कहा सोमनाथ पर आक्रमण करता है, कब 1025। मतलब कि महमूद गजनबी जब सोमनाथ पर आक्रमण करता है तो उस समय शासक कौन रहते हैं, भीम प्रथम। तो आपसे पूछा जाए कि सोमनाथ पर आक्रमण करने के समय गुजरात का शासक कौन था, तो कौन था, भीम प्रथम के समय सोमनाथ पर आक्रमण किसने किया, तो महमूद गजनबी ने, क्योंकि महमूद गजनबी की तरफ से पूछ सकते हैं, भीम प्रथम की तरफ से पूछ सकते हैं स्थान के। तो गुजरात में भीम प्रथम शासन कर रहे थे तो सोमनाथ पर महमूद गजनबी ने आक्रमण किया और भीम द्वितीय ने 1178 में मोहम्मद गौरी को पराजित किया। अपन मोहम्मद गौरी और महमूद गजनबी के विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे राजवंशों से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे गए इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। तो भीम द्वितीय ने 1178 में मोहम्मद गौरी को पराजित किया। मोहम्मद गौरी 1175 से लेकर 1205 तक भारत में सक्रिय रहता है, तो 1178 में इसकी पहली पराजय कौन है, भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी को 1178 में पहली बार पराजित कौन करता है, भीम द्वितीय। और
1191 में कौन करता है? पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी दो बार पराजित होता है भारत में, एक बार भीम द्वितीय से 1178 में, एक बार 1191 तराइन के युद्ध में किससे? किससे? पृथ्वीराज चौहान से। तो आपको याद रखना है भीम प्रथम, महमूद गजनवी, भीम द्वितीय, मोहम्मद गौरी। और चोल वंश इसलिए याद रखना है क्योंकि चोल वंश की जब स्थापना विजयालय करता है, विजयालय चोल वंश का द्वितीय चोल वंश, क्योंकि एक प्राचीन समय में रहता है, फिर एक मध्यकालीन समय में एक चोल वंश आता है जिसमें एक महत्वपूर्ण राजा है राजराज प्रथम। तो मतलब कि आपसे पूछा जा सकता है कि जब महमूद गजनवी आक्रमण कर रहा था भारत पे, तो चोल वंश का राजा कौन था? तो राजराज प्रथम था, जिसका समय 950 से लेकर 1014 तक रहता है। और जेजागुप्ती चंदेल वंश, चंदेल वंश मतलब इसको जेजागुप्ती, इसी को क्या कहते हैं? बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड में परमर दी देव की शासन है, इनको इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनको पराजित किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान मतलब पृथ्वीराज चौहान ने परमर दी देव को पराजित किया जो बुंदेलखंड या जेजागुप्ती के शासक थे। तो क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का संबंध मोहम्मद गौरी से जुड़ता है, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान से ना पूछ कर क्या पूछ लें आपसे कि जब पृथ्वीराज चौहान ने किस बुंदेलखंड के शासक या किस जेजागुप्ती के शासक को पराजित किया, तो आपका उत्तर होगा परमर दी देव को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था। अगर आपसे संधि पूछ लें तो आप बता देना 1181 में पराजित किया था, इसलिए इन राजवंशों को जानना महत्वपूर्ण था। तो अपन ने क्या चीजें, तीन चीजें सीखी कि भीम प्रथम के समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और सोमनाथ पर आक्रमण किया, भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया 1178 में, जो मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय थी, और अपन ने परमादि देव किससे पराजित हुई? पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुई। अब अपन जानते हैं महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी ने धन के उद्देश्य से भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया। तो उसके कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण को देख लेते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं महमूद गजनवी के बारे में। तो महमूद गजनवी के बारे में बात करते हैं। महमूद गजनवी जिसका शासन काल 998 से 1030 तक रहता, लेकिन ये भारत पर 1000 से लेकर 1027 तक 17 बार आक्रमण करता है। कई बार पूछा गया है महमूद गजनवी कितनी बार आक्रमण करता है, भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। किस उद्देश्य से? धन की लूट के उद्देश्य से करता है। लेकिन महमूद गजनवी को समझने से पहले उसकी थोड़ी सी पहले कहानी समझ लेते हैं। तो क्या होता है कि जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, वहां पे एक व्यक्ति रहता है अब्दुल मलिक। कौन? अबुल मलिक या अब्दुल मलिक। उसका एक गुलाम रहता है कौन? अलप्तगी। उसका गुलाम कौन है? अलप्तगी। ये कहां का राज्यपाल है? खुरासान। कहां का? खुरासान का राज्यपाल। खुरासान का राज्यपाल जो अबुल मलिक रहता है, वो अफगानी का एक राजा है, उसके अंडर में एक व्यक्ति है अलप्तगीन जो खुरासान का राजा है। लेकिन जब इसकी मृत्यु होती है, जब इसकी मृत्यु होती है तो इस क्षेत्र में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हो जाता है। तो इस संघर्ष की वजह से ये व्यक्ति 800 सैनिकों के साथ एक स्थान पर जाता है गजनी। मतलब अफगानिस्तान के एक क्षेत्र में अलप्तगीन 800 अपने वफादार सैनिकों के साथ जाता है और एक साम्राज्य, छोटे से साम्राज्य की स्थापना करता है। किसकी? गजनी की। तो गजनी साम्राज्य की स्थापना अलप्तगीन करता है। उसके बाद एक इसका गुलाम, अलप्तगीन का गुलाम कौन रखता है? सुबक्तगीन। सुबक्तगीन को आपको इसलिए याद रखना है कि प्रथम तुर्क मुस्लिम भारत पर आक्रमण करने वाला, प्रथम तुर्क मुस्लिम। देखो प्रथम अगर प्रथम मुस्लिम की बात आती है तो मोहम्मद बिन कासिम, अरब आक्रमण पड़ा था तो अरब आक्रमण के प्रथम मुस्लिम की बात आती है तो मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन अगर प्रथम तुर्क मुस्लिम की बात आती है तो सुबक्तगीन ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। और सुबक्तगीन महमूद गजनवी के क्या है? पिता। महमूद गजनवी के क्या है? पिता। तो सुबक्तगीन का पुत्र कौन रहता है? महमूद गजनवी, जो 1998 में शासक बनता है और 1030 तक शासन करता है। कहां पे? गजनी में। कहां पे? गजनी में। तो गजनी साम्राज्य की स्थापना अलप्तगीन ने की। अलप्तगीन का गुलाम कौन है? सुबक्तगीन। सुबक्तगीन के पुत्र कौन है? महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी सुबक्तगीन का पुत्र है और सुबक्तगीन प्रथम तुर्क मुस्लिम है जिसने भारत पर आक्रमण किया। अपन यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्रथम तुर्क मुस्लिम है। अगर अकेला प्रथम मुस्लिम की बात आए तो मोहम्मद बिन कासिम उत्तर में रहेगा, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए आपको वो दोनों नाम देंगे। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, प्रथम मुस्लिम दिया तो बिल्कुल नहीं सोचना उत्तर क्या रहेगा, मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन अगर प्रथम तुर्क दिया है तो कौन रहेगा?
सुबक्तगीन, और सुबक्तगीन किसके पिता है, महमूद गजनवी के। तो सुबक्तगीन के बाद कौन शासक बनता है, महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी गजनी का शासक बनता है 998 में, 1030 तक रहता है। तो वो 1000 से लेके 1027 तक 17 बार भारत पराक्रमा करता है। उद्देश्य क्या है, धन की लूट, धन की लूट, मतलब धन संपत्ति लूटने के लिए महमूद गजनवी भारत पराक्रमा करता है। क्योंकि जो अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहां पर कृषि उतनी ज्यादा होती नहीं, वहां पर उतने ज्यादा उत्पादन, मतलब वहां पर समृद्धि कम है, गरीबी ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा थी। तो इस वजह से वो भारत में सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत में मंदिरों में संपत्ति, इसलिए इसने मंदिरों को टारगेट किया, क्योंकि भारत में प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक जो मंदिर है वो संपत्ति के संकीर्ण के केंद्र रहे। मतलब मंदिरों में बहुत अधिक संपत्ति होती है, सोना चांदी, वहां पर मूर्तियां भी सोने की होती है। तो इस वजह से इसने मंदिरों को लूटा। तो भारत सोने की चिड़िया था, भारत समृद्धशाली था और ये गरीब देश था, इसलिए धन के उद्देश्य से महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 तक 17 बार भारत पदार्पण किया। तो अपन उसके कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण देखते हैं। तो सबसे पहले उसने 1001 में हिंदू सहशासक, ये आपको याद रखना है, कश्मीर से लेके मुल्तान, है ना, कश्मीर से लेके भारत के जो, भारत की जो ये वाली सीमा है ना, ये वाली उत्तर पश्चिमी सीमा, यहाँ पर मुल्तान है, यहाँ पे कश्मीर है। तो ये वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पे हिंदू शाही शासक कौन शासन कर रहा था, जयपाल। तो जयपाल के विरुद्ध महमूद गजनवी 1001 में क्या करता है, आक्रमण करता है, और जयपाल को क्या कर देता है, पराजित। अब जयपाल पराजित हो गया, लेकिन जयपाल ने धन देकर इसको वापस लौटा दिया। मतलब कि 1001 में महमूद गजनवी में हिंदू शाही शासक जयपाल पर, जो हिंदू शाही जो शासक है जयपाल, उसको पराजित किया, उससे धन ले लिया। लेकिन इससे जयपाल ने क्या है, अपमानित महसूस किया, और इसने क्या कर ली, आत्महत्या। और अपना इसका पुत्र कौन था, आनंद पाल, उसको दे दिया राज्य। मतलब कि जयपाल पराजित हुआ, उसने महमूद गजनवी को धन दे दिया, तो महमूद गजनवी तो वापस लौट गया, लेकिन जयपाल ने अपमानित महसूस किया और आत्महत्या कर ली, और उसका पुत्र आनंद पाल को उसने राज्य दे दिया। तो जयपाल का पुत्र कौन था, आनंद पाल। तो 1006 में और 1008 में मुल्तान पर जब आक्रमण करता है, तो इसका विरोध कौन करता है, आनंद पाल। आनंद पाल भी पराजित हो जाता है, तो महमूद गजनवी ने पहले जयपाल को पराजित किया, तो उसने आत्महत्या कर ली, उसके बाद आनंद पाल को पराजित किया, और 1008 में मुल्तान पर किसका अधिकार हो जाता है, महमूद गजनवी। 1008 में मुल्तान पर किसका अधिकार हो जाता है, महमूद गजनवी का। अब महमूद गजनवी, आप देखिए, देखो इधर पे आपने देखा, पहले उसने हिंदू शाही राजवंश पे किया, इसके बाद वो आगे बढ़ा, है ना, इसके बाद वो आगे बढ़ा, तो ये जो मुल्तान वाला क्षेत्र है ना, इसके बाद वो आगे बढ़ा, तो इधर पे कन्नौज, मतलब वो क्या है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ेगा। जो भी आक्रमण कर रही है वो भारत में अधिकतर पश्चिम से आक्रमण हुए हैं, और वो किसकी तरफ, पूर्व की तरफ बढ़े हैं, है ना, ये बात याद रखनी। तो अब ये थानेसर कहां पे है, ये हरियाणा वाले क्षेत्र में, ये जो हरियाणा वाला क्षेत्र है, हरियाणा वाले क्षेत्र में थानेसर पर 1014 में आक्रमण करता है कौन, महमूद गजनवी। तो देखो महमूद गजनवी पश्चिम से उत्तर की ओर बढ़ रहा है, और धन लूट करके वापस चला जाता है, फिर आक्रमण करता है। तो 1014 में थानेसर पर आक्रमण करता है, है ना, 1018 में कन्नौज पर आक्रमण करता है, और कन्नौज जाता है, रास्ते में उसको क्या मिलता है, मथुरा। तो मथुरा में लगभग 1000 मंदिरों को लूटता है, कितने, 1000 मंदिरों की लूट करता है 1018 में। 1018 में जब कन्नौज पे आक्रमण करने जाता है कौन, महमूद गजनवी, तो रास्ते में मथुरा मिलता है, क्योंकि दोनों यूपी में, तो मथुरा में 1000 मंदिरों की लूट करता है 1018 में। क्योंकि देखो इसलिए बता रहा हूं कि आपसे पूछा जा सकता है महमूद गजनवी मथुरा को कब लूटा, तो 1018 या 1018 में, इसलिए क्योंकि जो सोमनाथ मंदिर को लूटना है उसका 1025-26 में, 1025-26 में सोमनाथ का पे जो आक्रमण करना है वो प्रसिद्ध है, वो कल बार पूछा गया। तो अब वो क्या कर सकते हैं आपको विचलित करने के लिए, वो आपसे पूछ सकते हैं कि मथुरा के मंदिरों की लूट महमूद गजनवी ने कब की, तो आपका उत्तर रहेगा 1018 में की। कन्नौज पर आक्रमण करने जा रहा था तो मथुरा रास्ते मिला, तो उसने 1000 मंदिर वहां पर लूटे और अधिक धन प्राप्त किया। इसके बाद 1021 में उसने ग्वालियर पर आक्रमण किया, यहां से भी धन लूटा, है ना, 1025-26 में सोमनाथ मंदिर को लूटा,
जो सोमनाथ का मंदिर है यहीं पे आप यहाँ पे शासक कौन था? भीम प्रथम, जो अपन पहले देख चुके हैं, भीम प्रथम चालुक्य वंश का शासक। आपसे मतलब 1025-26 में जब सोमनाथ पर आक्रमण करता है तो भीम प्रथम वहां का शासक होता है, क्योंकि गुजरात के क्षेत्र में आता है सोमनाथ, तो वहां का शासक भीम प्रथम। आपसे पूछा जाए गुजरात का कौन से शासक के समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, तो भीम प्रथम। किस वंश से संबंधित है? चालुक्य सोलंकी। इसके बाद अंतिम अभियान है, जो अंतिम अभियान है महमूद गजनवी का, जो अंतिम अभियान है वो 1027 में जाटों के विरुद्ध होता है। क्या होता है कि जब जो सोमनाथ मंदिर से धन लूट के ले जा रहे थे तो जाट उसको परेशान करते हैं, किसको? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी बदला लेने के लिए जाटों पर अंतिम आक्रमण करता है और 1030 में महमूद गजनवी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये इसके महत्वपूर्ण आक्रमण थे। आपको याद रखना है कि इसका पहला आक्रमण हिंदुशाही शासक जयपाल के विरुद्ध था, जो आप स्थान याद रखना है तो कहां पे? पेशावर में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में। और इसका अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था। सोमनाथ पर आक्रमण कब किया है उसने? 1025-26 में। और 1018 में जब वो कन्नौज पे आक्रमण कर रहा था तो मथुरा की लूट भी करता है, लगभग 1000 मंदिर लूटता है। तो महमूद गजनवी के बारे में यही महत्वपूर्ण बातें हैं। साथ में महमूद गजनवी को एक चीज और आपको याद रखना है कि ये मूर्तियां तोड़ता था, इसलिए इसको मूर्ति भंजक भी कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है, तो महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक कहा जाता है। महमूद गजनवी के बारे में देख लिए, अब अपन देखते हैं किसके बारे में? मोहम्मद गौरी के बारे में। अब हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी, जिसका समय 1175 से लेकर 1205 तक माना जाता है। अगर मोहम्मद गौरी के पूरे नाम की बात करें तो सिहाबुद्दीन या फिर मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी था। ये गौर वंश का क्या था? अफगानिस्तान में एक क्षेत्र था जो गौर वंश के नाम से जाना था, वहां का शासक 1175 में मोहम्मद गौरी बनता। देखो मोहम्मद गौरी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत में सूद्रण इस्लाम या मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कौन करता है? मोहम्मद गौरी। क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम रहता है जो कुतुबुद्दीन ऐबक, वो 1206 में दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है और लगभग 1857 तक भारत में मुख्य तौर पर कौन सा? मुस्लिम साम्राज्य, इस्लाम साम्राज्य स्थापित रहता है। अगर बात करें तो लगभग 600 साल या 550 साल इस्लाम का साम्राज्य भारत में रहता है, जिसकी शुरुआत मोहम्मद गौरी के समय से होती है। मोहम्मद गौरी ही वो नीति तैयार करता है जिससे भारत में एक सुदृढ़ इस्लाम साम्राज्य की स्थापना हो सकी, इसलिए मोहम्मद गौरी महत्वपूर्ण होता है। तो आइए मोहम्मद गौरी के बारे में जानते हैं। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले 1175 में मुल्तान की विजय प्राप्त की, 1175 में। उसके बाद उसने 1178 में जब गुजरात के शासक भीम द्वितीय से युद्ध लड़ा तो वो पराजित हो गया, तो 1178 में भीम द्वितीय ने किसको? मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया, यही उसकी प्रथम पराजय। आपसे पूछा जाए कि मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय कौन सी है, तो 1178 की भीम द्वितीय द्वारा उसकी पराजय प्रथम पराजय थी। 1179 में पेशावर जीतता है, 1185 में सियालकोट जीतता है, 1186 में लाहौर की विजय करता है। मतलब अब क्या है, जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र वर्तमान का पाकिस्तान है वहां पर मोहम्मद गौरी अपनी सेना को मजबूत करता है और पेशावर, सियालकोट और लाहौर को जीत के एक शक्तिशाली शासक बन जाता है। आपको क्या करता है, 1189 में भटिंडा के दुर्ग को जीतता है, जिस पर पृथ्वीराज चौहान का अधिकार था। मतलब भटिंडा जो था वो पंजाब क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान के अंतर्गत आता था, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक थे, तो इस वजह से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी आमने सामने आ गए, मतलब इनके बीच युद्ध की संभावना बढ़ गई। तो तरानी के युद्ध लड़े जाते हैं मोहम्मद गौरी 1191 में और 1192 में, दो तरानी के युद्ध हुए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। मतलब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच दो तरानी के युद्ध लड़े गए, है ना। तो प्रथम तरानी के युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हो जाता है, यही उसकी द्वितीय पराजय है। पहली पराजय 1178 में भीम द्वितीय के विरुद्ध, द्वितीय पराजय मोहम्मद गौरी के विरुद्ध तराइन के प्रथम युद्ध में। तो आपसे पूछे जाए तराइन के प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1191 में। किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान की। किसकी पराजय? मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी यहाँ पे वापस चला जाता है, फिर वो सेना को मजबूत करते हैं। एक साल बाद 1192 में फिर से तराइन के युद्ध लड़ता है, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। इस प्रकार आप दिल्ली का शासक कौन बन जाता? मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद तराइन के युद्ध में क्या होता है? तराइन के युद्ध में जयचंद ने साथ देता है किसका? मोहम्मद गौरी का।
मतलब मोहम्मद गौरी और जयचंद, मोहम्मद गौरी और जयचंद मिलकर पृथ्वीराज चौहान को हरा देते। लेकिन बाद में चंदावर की लड़ाई में कन्नौज का शासक रहता जयचंद, उसको मोहम्मद गौरी पराजित कर देता है। मोहम्मद गौरी को भी पराजित किसने, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी पराजित कर दिया चंदावर की लड़ाई में। आपसे पूछा जा सकता है चंदावर के युद्ध कब हुआ, तो 1194 किस किस के बीच हुई है, जयचंद वर्सेस मोहम्मद गौरी। तो देखो मोहम्मद गौरी ने तीन युद्ध महत्वपूर्ण यहाँ पे याद रखना है। 1178 में भीम द्वितीय के युद्ध लड़ा जिसमें पराजित हो गया। तराइन के युद्ध उसने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ाई, तो 1191 में प्रथम वाला हार जाता है, द्वितीय 1192 वाला मोहम्मद गौरी जीत जाता है। वो जो चंदावर की लड़ाई है कन्नौज के शासक जयचंद के विरुद्ध, वो मोहम्मद गौरी जीत जाता है। और मोहम्मद गौरी का जो अंतिम अभियान है 1205 में खोखर जातियों के विरुद्ध है। ये खोखर है जो पंजाब में खोखर जातियां होती हैं उनके विरुद्ध अंतिम अभियान मोहम्मद गौरी 1205 में करता है। आपके लिए बता दें कि कई बार अंतिम अभियान पूछ लेते हैं, जैसे महमूद गजनबी का अंतिम अभियान जाटों के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध, महमूद गजनबी का जाटों के विरुद्ध था 1127 में, और इसका अंतिम अभियान 1205 में खोखर जातियों के विरुद्ध है। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु सिंधु नदी के किनारे होती है। जब ये खोखर जातियों को पराजित करके 1205 में लौट रहता है, तो कुछ जनजातियां इसको मार देती है, जनजातियों के द्वारा मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। तो मोहम्मद गौरी के तीन गुलाम, एक यलदूज, एक कोबाचा और एक कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक की 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। तो जो मोहम्मद गौरी के तीन गुलाम रहते हैं, यलदूज, कोबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक की किसकी, भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं, जिसके बाद लगातार भारत में मुस्लिम शासक आते रहते हैं, दिल्ली सल्तनत आता है, फिर मुगल काल, इस प्रकार से चीजें आगे बढ़ती हैं। इसीलिए मोहम्मद गौरी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसने महमूद गजनबी की तरह क्या किया, लूट धन को नहीं लूटा बल्कि स्थायी साम्राज्य की स्थापना की। उसने धीरे पहले मुल्तान को जीता, फिर लाहौर पहुंचा, फिर बडेंडा को जीता, तराइन को जीता, दिल्ली को जीता, फिर कन्नौज को जीता। धीरे धीरे करके उसने भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर और दिल्ली तक उसने शासन स्थापित कर लिया। फिर उसके जो गुलाम थे यलदूज, कोबाचा, जिनमें से कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनमें से कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। इसीलिए मोहम्मद गौरी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये अपन ने महमूद गजनबी के बारे में, तुर्कों के बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अगर इनके मूल्यांकन की बात करें, तो सबसे बड़ा मूल्यांकन है कि इनके द्वारा, तुर्कों के द्वारा फारसी भाषा का क्या हुआ, प्रचार हुआ। भारत में फारसी भाषा का प्रारंभ हो गया। प्रशासन में किसकी कौन सी भाषा आने लगी, फारसी भाषा आने लगी। साथ में यहाँ पे क्या हुआ, एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई, जो लगभग 500 वर्षों तक भारत में उसने शासन किया। तो एक देखो, अरब ऐसा नहीं कर पाए, महमूद गजनबी ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन तुर्कों की बात करें तुर्कों में मोहम्मद गौरी ऐसा शासक था जिसके बाद लगभग 500 वर्ष तक भारत में मुस्लिम शासकों ने शासन किया। इसलिए तुर्क में मोहम्मद गौरी महत्वपूर्ण हो जाता है। और मोहम्मद गौरी के बारे में एक बात याद रखना है कि जो मोहम्मद गौरी के जो सिक्के थे उसमें एक तरफ क्या कलमा खुदा होता था, कलमा कुछ बातें लिखी होती थी, दूसरी तरफ लक्ष्मी की मूर्ति बनी होती। तो एक तरफ कलमा लिखा होता था, दूसरी तरफ लक्ष्मी हिंदुओं को माना जाता था और ये मुसलमानों को, मतलब कि क्योंकि वो हिंदू जनता पे शासन कर रहा था, तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों में एक तरफ कलमा खुदा होता था, मतलब कुछ अच्छी बातें लिखी होती थी उर्दू में या फारसी में, और एक तरफ लक्ष्मी की मूर्ति बनी होती थी। ये उसकी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो मोहम्मद गौरी के सिक्के पे आपसे पूछा जाए किसकी मूर्ति थी, लक्ष्मी की, एक तरफ क्या था, कलमा था, या यही बात आपको याद रखनी है। अगली वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में देखेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, जुड़े रहें जीएस विजन जी के साथ। नमस्कार।